डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से होगी खास बातचीत। नमस्कार, जेके न्यूज टुडे में आप सबका स्वागत है और मैं हूँ सोनिया डोगरा आपके साथ। आज एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए मौजूद होंगे हमारे साथ टेलीफोनिक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी से। तो चलिए तीन सवाल उनसे बातचीत करते हैं कि जिस प्रकार से आप जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव की तैयारियां जो है बड़े चाव से की जा रही है, वहीं पे ज़्यादा वक्त ना लेते हुए तीन चार सवाल पे बातचीत करने के लिए मौजूद होंगे हमारे चैनल में जेके न्यूज़ टुडे के साथ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इनका इस बारे में क्या कुछ कहना है। चलिए सर, सबसे पहले डॉक्टर फारूक सर, आपका सबसे पहले स्वागत है जेके न्यूज़ टुडे में। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे आपके स्टूडियो में बुलाया है। जी सर, सर मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो उन्होंने अपनी रैली में कहा कि जम्मू कश्मीर में जल चुनाव होंगे और इसे राज्य का दर्जा भी मिलेगा, तो आपको क्या लगता है ये कब तक हो सकता है सर? देखिए, अगर इसमें कोई दम होता तो जो इनका मैनिफेस्टो निकला है उसमें यह मेंशन होता, उसमें यह बताया होता इन्होंने कि जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड वापस आ जाएगा और जल्दी इलेक्शन होंगे। उसमें कोई ऐसी बात नहीं की गई है। जी सर, वहीं पे सर दूसरा सवाल आपसे करना चाहूंगी, भारतीय जनता पार्टी का कल मैनिफेस्टो रिलीज हुआ है, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बहुत इन्होंने बहुत वादे किए हैं। मैं जैसे कहूंगा कि 10 साल में वो वादे पूरे नहीं कर सके। अब कहते हैं हम अगले 5 साल में ये वादे पूरे करेंगे, वो पता नहीं, मैं नहीं कह सकता कि क्या होगा, इलेक्शन में क्या रिजल्ट निकलेगा। मगर लोगों को ये पता है, ये कहते एक बात है करते दूसरी बात है, अफसोस इस बात का है। नहीं तो अगर ये सचमुच सही बात करते तो इस मैनिफेस्टो में इतना जो लिखा हुआ है उसमें कहीं भी ओबीसी, बाकी वर्ग जो नीचे वाले हैं, मुसलमान हैं, उनका कहीं मेंशन ही नहीं है। कैसे ये मुल्क चलेगा जहां पर के मुसलमानों की आबादी दुनिया में 3rd नंबर पे है, उनका कोई मेंशन नहीं? क्या वो इस मुल्क के बाशिंदे नहीं है? क्या उनके लिए ये सोचते नहीं है? मुझे ये बताएं कि इनके जितने भी इनने मैंडेट दिए हैं, क्या किसी मुसलमान को मैंडेट दिया? इनसे पूछिए, क्या इनकी कैबिनेट में कोई मुसलमान मिनिस्टर है? हम लोग भी तो इस बाशिंदे हैं इस देश के, उसके बारे में कुछ नहीं है जी। और तरक्की का मामला जो है, आप देखिए स्मार्ट सिटी, आइए देखिए जम्मू के स्मार्ट सिटी में क्या हुआ है, यहाँ के स्मार्ट सिटी में क्या हुआ है, देख लें। फारूक सर, जिस प्रकार से भाजपा जो है जगह जगह पर रैली निकाली जा रही है और पब्लिक को अवेयरनेस कर रही है, पब्लिक को हाथ जोड़ के वोट के लिए रिक्वेस्ट कर रही है, वहीं पे अगर ग्राउंड लेवल की बात करें तो आम लोगों का कहना है कि जब बड़े नेता जब हाथ जोड़कर वोट ली जाती है, जीतने के बाद ग्राउंड लेवल पे हमें पूछने तक नहीं आते, तो इस पे क्या टिप्पणी देना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात है, इसमें जरूर सही बात है। पूछ लीजिए इनसे, जो इनके जम्मू के मंत्री भी थे उनने क्या किया। तो देखिए इनके इलाके में क्या प्रोग्रेस है, कितने कॉलेजेस खोले इनके इलाके में, तो पूछिए। डोडा है, भदरवा है, किश्तवाड़ है, पानीहाल है, ये सारे पसमांदा इलाके जो हैं इनके, पहाड़ी इलाके जो हैं जम्मू के, उनमें कितनी तरक्की हुई, कितने अस्पताल खोले, उनकी सड़कों का हाल क्या है, उनके स्कूलों का हाल क्या है, पूछिए जरा इनसे। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि इलेक्शन में आ जाते हैं उसके बाद नजर नहीं आती। ये लोगों को याद रखना चाहिए, उन नेताओं को लाओ जो इनके साथ झुके रहे हैं, जो कल भी इनका काम करें। सर वहीं पे इंडिया अलायंस की बात करें एनसी की, तो क्या वो अपने दम पर चुनाव लड़ेगी या बाकी पार्टियों के साथ मिलकर? हम लोग तो सबके साथ लड़ रहे हैं, इंडिया अलायंस है, कांग्रेस के साथ हमारा बहुत अच्छा अलायंस हो गया है, 3 सीटें वो लड़ रहे हैं, 3 सीटें हम लड़ रहे हैं। सर वहीं पे महबूबा मैम की बात करें फिर वो क्यों अलग है? अब क्या करें, उनकी अपनी मर्जी थी, नहीं तो वो भी तो अलायंस के थे। अगर बताइए मुझे, हम लोगों ने 3 सीटें जीते रखी है,
कैसे हम वो छोड़ दें उनको, उनको भी तो समझ आनी चाहिए थी। हम सब अलायंस के लिए हैं, हम सब इस वतन को मजबूत करने के लिए हैं, उनको आज हमारा साथ छोड़ना नहीं चाहिए था और छोड़ दिया। चलिए चलिए सर, जाते जाते आम पब्लिक को जो इस वक्त रेडी है वोट देने के लिए, तो क्या जाते जाते मैसेज देना चाहोगे आप? मैं उनसे कहूंगा अपने वोट का इस्तेमाल सही करिए, दुखों में मत आइए। आपने देखा है कि 10 साल में क्या हुआ है, आप कहाँ पहुंचे हैं, महंगाई कहाँ पहुंची है, आज गैस की कीमत क्या है, पेट्रोल के दाम क्या है, डीजल के दाम क्या है। इन्हें इलेक्शन के लिए 2-2 रुपए छोड़ दिए हैं, मगर इलेक्शन के बाद ये फिर से इसको चढ़ाएंगे। इनको याद रखना चाहिए, इनको याद रखना चाहिए था आज महंगाई कितनी है, और जो वादा किया था इन्होंने कि हम 2 करोड़ नौकरियां साल में लगाएंगे और हम लोगों को 50 लाख इन्हें 50,000 की नौकरियों का वादा किया था, कितने नौकर लगे उसमें, लोगों को ये देखना चाहिए। चलिए फारूक सर, फिर फैसला करना चाहिए कहाँ हमने जाना है। जी चलिए फारूक सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए, ये थे हमारे साथ जुड़े एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी से, जिनसे जेके न्यूज़ टुडे के माध्यम से हमने ज़्यादा वक्त ना लेते हुए 3-4 सवालों पे बातचीत की। इस वीडियो पे आपका क्या कुछ कहना, इस वीडियो के नीचे अपनी राय जरूर रखेगा और क्या कुछ सवाल आपके मन में है वो भी रखेगा। कोशिश करेंगे अगले इंटरव्यू फेस टू फेस बात करेंगे और आम जनता के सवाल उन तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए देखते रहेगा जेके न्यूज़ टुडे। सोनिया डोगरा को दीजिए आज्ञा, नमस्कार।